तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये प्रकृति तीन गुणों से बनती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो तीन रस्सियां हैं जो इस संसार में मनुष्य को बांध के रखती हैं, और यह जो आत्मा जब यहाँ पे आता है तो उसे जो शरीर प्रदान किया जाता है, यह शरीर 24 तत्वों का संयोजन होता है। 24 तत्वों से का ये संयोजन होता है यह शरीर। इस शरीर में पंच महाभूत तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर अहंकार, बुद्धि और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था। जो पंच महाभूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको स्थूल तत्व बोलते हैं, जिनसे यह शरीर बनता है, भौतिक शरीर बनता है। और जो सूक्ष्म तत्व हैं, अहंकार, बुद्धि, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये सूक्ष्म तत्व हैं। उसके ऊपर पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, जिससे व्यक्ति ज्ञान लेता है। नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। ये पांच ज्ञान इंद्रियों के बाद पांच कर्म इंद्रियां होती हैं, जिसे व्यक्ति कर्म करता है। वाणी, पाम, हाथ, गुदा तथा लिंग। और इन सब के ऊपर जो होता है मन होता है। यह मन इन सबको संचालित करता है। मन में जैसे विचार होते हैं, वह उन विचारों के अनुसार यह शरीर कार्य करता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन जो मन है कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, और इतना जिद्दी होता है कि जो चाहता है वह मनुष्य से करवा कर बैठता है। और इस मन के बाद इंद्रियों के पांच विषय होते हैं। नाक का गंध लेना, जीवा का स्वाद लेना, और आँख का रूप का दर्शन करना, त्वचा का स्पर्श करना, और वाणी का ध्वनि। ये 24 तत्वों का ये संयोजन हो गया यह शरीर। और यह जो जब 24 तत्वों का ये शरीर मिला जुला के हो जाता है, तो इसके ऊपर जो है आत्मा होता है, जो इस शरीर में बंद होता है, कैद होता है। ये 25वां तत्व है। अगर कोई अपने शरीर तक ही ज्ञान रखता है तो यह ज्ञान जो है अल्प है, क्योंकि इस जगत में एक पशु भी सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, और एक कुत्ता भी सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कुत्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, और यह सोचकर वह जंप करता है। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि यह शरीर के ऊपर भी कुछ है, आप यह शरीर नहीं है। भगवान बोलते हैं यंत्रारूढ़ानि माया, आप माया रूपी यंत्र पर सवार हैं, और यंत्र को जो चला रहा है उसमें बैठा है जो वह आत्मा है। तो इन 24 तत्वों के ऊपर जो है आत्मा होता है, ये 25वां तत्व है। आत्मा इस भौतिक जगत में अपने नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब आता है, तो भगवान उसे यह 24 तत्वों से बना हुआ शरीर प्रदान करते हैं। और बगैर भगवान के भी आत्मा अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए जहाँ जहाँ भी आत्मा जाता है, जिस जिस शरीर में आत्मा देहांतरण करता है, उसके साथ परमात्मा भी निवास करते हैं। हृदय के एक साइड में आत्मा होता है और एक साइड में परमात्मा होते हैं। परमात्मा जो है आत्मा के कार्यकलापों पर नज़र रखते हैं कि आत्मा क्या कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, उसके अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। तो ये 25वां तत्व आत्मा है, और इस आत्मा के ऊपर जो 26वां तत्व है वह परमात्मा है, और वह साक्षी है। वह देख रहा है कि आत्मा इस भौतिक जगत में क्या कार्य करता है, क्या पाप करता है, क्या पुण्य करता है। ईश्वर उसके अनुसार उसकी व्यवस्था करते हैं और उसे भोग की सभी आवश्यकताएं जो है प्रदान करते हैं।
जय श्री श्री राधाराज बिहारी जी की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, जय श्री श्री गौर निताई जी की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आत्मा जब भोग करने की इच्छा करता है तो परमात्मा उसके साथ साथ में रहते हैं। अगर उसकी इच्छा है, अगर किसी जीव की इच्छा है मांस खाने की, तो परमात्मा उसे सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन परमात्मा इंटरफियर नहीं करते हैं, उसकी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते हैं। जीव चाहे तो जो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और जो जीव है उनका अंश है। ममेवांसु जीव लोके जीव भूत सनातन है। उनका पुत्र होने के कारण उनके थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जीव के अंदर भी पाई जाती है। तो परमात्मा कभी भी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर वह मांस खाने की इच्छा करता है तो परमात्मा ऐसी योजना बनाते हैं कि वह उसे शेर का शरीर मिले, बाघ का शरीर मिले, जिससे वह अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। लेकिन जो परमात्मा है उसके कार्यकलापों पर नज़र रखते हैं कि यह क्या क्या कार्य कर रहा है, उसके अनुसार उसे सुख दुख प्रदान करते हैं उसके कर्म के फलों के अनुसार। ऐसा वेदों में कहा गया है कि एक पेड़ है, उस पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। वह फल को नहीं खाता, वह फल से आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है। लेकिन जो पहला पक्षी है अटैच है अपने फलों से, फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है। तो जो पहले पक्षी की उपमा दी गई है वह आत्मा से दी गई है, जीव से दी गई है, जो जीव इस संसार में नाना प्रकार के विषयों का भोग करने के लिए आया है और उन विषयों से अटैच है, आसक्त है और उनका भोग कर रहा है। और दूसरे पक्षी की उपमा परमात्मा से दी गई है, जो परमात्मा वह उसके कार्यकलापों का गवाह है, साक्षी है, वह देख रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँ, मैं कुछ पाप कर रहा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन भगवद्गीता के अनुसार भगवान कृष्ण हर जगह सर्वत्र ब्रह्म के रूप में उपस्थित है और परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित है। तो व्यक्ति के कार्यकलापों का सदा निरीक्षण रखते हैं और उसके अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जिससे वह अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने का इस जगत में प्रयास कर सके। यह आत्मा शरीर में बद्ध है क्योंकि वह तीन गुणों से अपनी गलत पहचान को जोड़ लेता है और अपने आप को शरीर मानने लगता है और सोचता है कि मैं इस संसार का हूँ, इस संसार से परे कुछ भी नहीं है। और प्रकृति के तीन गुणों की संगति के कारण ही उसे नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। अगर वह सत्वगुण में है, सत्वगुण का संग करता है तो उच्च लोकों में जाता है, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोकों में जाता है, जन लोकों में जाता है, महर लोक में जाता है, अलग अलग तपस्वियों के लोक में जन्म लेता है। रजोगुण में अगर शरीर छोड़ता है तो इसी पृथ्वी लोक पे फिर से आना पड़ता है। अगर तमोगुण में शरीर को छोड़ता है तो उसे नीचे के नरक लोकों में जाना पड़ता है, पशु योनि में जाना पड़ता है। एक श्लोक है भगवद्गीता में 13.22 में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि पुरुष प्रकृति सी भुगजे प्रकृति जान गुणाम कारणम गुण संगोस्य सद सद्दोनी जन्मसु। कि जो आत्मा का देहांतरण है वह प्रकृति के तीन गुणों की संगति के कारण इस एक शरीर को छोड़कर दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में बार बार देहांतरण कर रहा है। अगर वह सत्वगुण में है तो ऊपर मध्य नीचे उद्धवम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति तामसा मतलब कि नीचे चला जाता है शरीर को छोड़ने के बाद। कैसे शरीर बदलता है भगवान बताते हैं, इसका भी उत्तर देते हैं अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम लोग 15वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में भगवान यह भी बताते हैं कि वह शरीर कैसे बदलता है। तो इसमें भगवान बोलते हैं
शरीरम यत अवापनोति यच्च अपि उत्क्रामि ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आसयात। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं किसके लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए। जैसे एक हवा है, वायु है, नजर नहीं आता किसी को, लेकिन अगर कहीं पे फूल है, गुलाब खिला हुआ है, तो वह सुगंधी को वहाँ से उठाता है और एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। जब हम खुशबू लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ वहाँ पे गुलाब का फूल है। उसी तरह भगवान समझाते हैं कि जिस जो जो व्यक्ति ने अपनी जैसी जैसी चेतना बना के रखी है, यह शरीर जब छूट जाता है तो वह चेतना, वह मनोवृत्ति, वह देहात्म बुद्धि उनको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है। क्योंकि पंच महाभूत से बना यह शरीर यहीं पर छूट जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन जो तीन सूक्ष्म तत्वों से बना शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो व्यक्ति की जो भी इच्छाएं शेष रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान उसे अवसर देते हैं, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाता है। किसी की इच्छा बाकी रह गई है कि मेरा घर नहीं बना है, किसी की इच्छा बाकी रह गई है कि मेरे लड़कों की शादी करानी बाकी है, किसी नाना प्रकार की इच्छा बाकी रह गई है कि जो एक शरीर में पूरा नहीं कर पाते व्यक्ति 60-70 साल में चले जाते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य को एक शरीर से दूसरा शरीर देते हैं कि तुम इसमें अपनी इच्छाओं को पूरा करो। आगे भगवान फिर बताते हैं, छोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो भगवान बोलते हैं वहाँ पे सब इंद्रियाँ प्राप्त करता है। अगर उसे कुत्ते के शरीर में भेजा जाता है तो प्रकृति उसे विवश कर देती है कुत्ते जैसा व्यवहार करने के लिए। अगर उसे सूकर के शरीर में भेजा जाता है तो प्रकृति उसे विवश कर देती है सूकर जैसा व्यवहार करने के लिए। अगर जीव को बिल्ली के शरीर में या गधे के शरीर में भेजा जाता है तो जो प्रकृति है उसे विवश कर देती है गधे जैसा व्यवहार करने के लिए, और वह अपने आप को गधा सोचने लगता है, अपने आप को सूकर सोचने लगता है, अपने आप को कुत्ता सोचने लगता है। जैसे मनुष्य शरीर में अपने आप को मनुष्य समझता है, हिंदू समझता है, मुस्लिम समझता है, सिख समझता है, इसी तरह से कुत्ते के शरीर में जाने के बाद अपने आप को कुत्ता समझता है। यह सब उसकी प्रकृति के संगति के कारण है जो अपनी गलत पहचान इस शरीर से करता है। कैसे कैसे प्रकृति के संगति से दूषित हो जाता है, तो इसमें एक उदाहरण में बताया गया है कि अगर जैसे कोई शराबी का संग करता है ना तो शराबी बन जाता है, वो शराबी के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता, साथ में रहता है बस शराबी बन जाता है धीरे धीरे। जुआड़ी का संग करता है जुआड़ी बन जाता है, नशेड़ी का संग करता है नशेड़ी बन जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों में से किसी एक का संग करता है तो उस गुण के अनुसार उसे उस प्रकार का शरीर मिलता है, और वह कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है। अगर मनुष्य बहुत भाग्यशाली हुआ इस मनुष्य जीवन में और उसे साधुओं का, वैष्णवों का, भक्तों का संग प्राप्त हुआ, अगर भाग्य से उसने बहुत पुण्य किए हैं अगर पिछले जन्म में, अगर उस पुण्य का फल उदय होता है, अगर उसके जीवन में कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई भक्तों का संग उसे मिलता है तो वो साधु संग में भजन करने लगता है। जब भजन करने लगता है तो शास्त्रों में कहा गया है साधु संग एक तो बहुत दुर्लभ है, साधु संग सर्वशास्त्रेर कह लव मात्रे न साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्रों का मत है कि साधुओं का संग करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए,
वैष्णव का संग करने से वैष्णव के अंदर जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर चले आते हैं, और हम जब उनके गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भजन करना चालू करते हैं, और जब भजन करना चालू करते हैं तो तमोगुण में भी होते हैं ना। तो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई तमोगुण में भी है, अगर हरे कृष्णा महामंत्र जपता है तो धीरे धीरे रजोगुण तक उठता है, और जपता है सतोगुण तक उठ जाता है, और जपता है निरंतर जपता है तो फिर शुद्ध सत्व में चलाता है, इन तीनों गुणों के ऊपर चलाता है, मतलब इस जेल से बाहर निकल जाता है। ये जो तीन गुणों रूपी जो जेल है जिसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जब वह जपता है तो ये जेल से तीन गुणों रूपी जो रस्सियां हैं इनको तोड़कर, इस बंधन को तोड़कर बाहर चलाता है। वह कौन सी अवस्था है? उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व अवस्था, शुद्ध सत्व गुण, इसे वसुदेव अवस्था भी कहते हैं। जब वहां पे चला आता है, शुद्ध सद अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसको उसके बाद शरीर बदलना नहीं पड़ता, क्योंकि वह जेल से अभी बाहर निकल चुका है, अभी जेल के पुलिस के सिपाही के अंडर में नहीं है, जो भौतिक जगत का संचालन करती है माया देवी दुर्गा देवी के अंडर में नहीं है, शुद्ध सत्व में आ गया। जब भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान कृष्ण के निरीक्षण में है, तो भगवान उसे कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, उसके सब कृष्ण के अंडर में है। जब वो शुद्ध सत्व में आता है तो वह समझता है, समझने लगता है कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, और मेरा जीव का एकमात्र कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इस तरह से जब वह समझने लगता है तो भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान 14वें अध्याय के इसी अध्याय में आगे बताएंगे, श्लोक नंबर 26 में अर्जुन को भगवान बताते हैं, माम चे अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें नंबर के 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि जो समस्त परिस्थितियों में कितना भी दुख आए तकलीफ आए, लेकिन जो अवचलित भाव से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वह तुरंत ही, भगवान बोलते हैं, वह तुरंत ही इन प्रकृति के तीन गुणों को लांग जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। और जब वह ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है तो जब यह शरीर छूटता है ना, तो उसे 84 लाख घूमने का जरूरत नहीं पड़ता, फिर से उसे जन्म लेना ही नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरणुत्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है इस दुखों से पूर्ण अनित्य संसार में फिर वापस नहीं आता, मेरे धाम को जैसे वैकुंठ लोक कहते हैं, गोलोक कहते हैं, वहां पर आ जाता है, वहां पे सच्चिदानंद शरीर उसे प्राप्त होता है और वहां मेरी सेवा में एंगेज हो जाता है, लग जाता है। तो ये कैसे होता है? यह होता है साधुओं के संग से, नहीं तो बहुत ही असंभव है, समझ लीजिए। अगर कोई अपने बल से प्रयास करे कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवान के धाम चला जाऊंगा, तो असंभव है। जब तक वैष्णव की, भक्तों की, किसी साधु की कृपा न हो ऊपर, गुरु और कृष्ण की कृपा न हो, तब तक असंभव है इस भौतिक संसार को, दुर्लंघ्य संसार को लांग पाना। अगर वैष्णव की कृपा हो जाती है, किसी साधु की कृपा हो जाती है, तो ये जो भव सागर है गाय के खुर के चिन्ह के समान बन जाता है, जिसे बच्चा भी आसानी से लांग सकता है, बच्चा भी आसानी से लांग सकता है। तो इसके लिए कृपा की जरूरत होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से जो भक्ति रूपी जो लता बीज है वह हृदय में अंकुरित होता है, नहीं तो बहुत सारे अनर्था अंकुरित होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और इसके चलते समाज में झगड़े होते हैं, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, यहाँ तक कि घर घर में भी झगड़े होते हैं। चार भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, समय आने पर बीच में दीवार खड़ी हो जाती है,
दो अलग हो जाते हैं, दो अलग हो जाते हैं, बीच में दीवार हो जाती है।